जिसके अधीन ये आठों की आठों प्रवृत्तियां उसको ईश्वर कहते हैं। ये आठों प्रवृत्तियां जिसके अधीन है उसे ईश्वर कहते हैं। और इन्हीं सब ने अवतार लिया, इन सब ने अवतार लिया और अवतार लेकर ये भगवान के साथ जुड़ गई, पत्नी हो गई, अर्थात भगवान शक्तिमान हो गए। ये भगवान के शक्तिमान होने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब परमात्मा आता है तो अपनी शक्तियों के साथ आता है, अपनी स्थितियों के साथ आता है, अपने बल अपने पुरुषार्थ के साथ आता है। तो जब गोविंद आए, क्योंकि इस बार गोविंद की लीलाएं बड़ी भिन्न भिन्न बड़ी अलग अलग किस्म की थी, तो जब गोविंद आए तो गोविंद ने इस बार इन सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। और ये एक और ये भी दर्शन आता है कि ये जो 16,100 है इनमें से 16,000 तो ठीक है, बाकी 100 कौन है? हमारे वेद पुराण उपनिषद खंड आदि इत्यादि। क्यों? क्योंकि जब तक यही नहीं होंगे तो भगवान की महिमा और शक्ति कैसे बढ़ेगी? 5 मिनट के लिए विचार करो, पूरी सृष्टि से भगवान की पूरी के पूरे जितने धर्म ग्रंथ है उनको हटा दिया जाए। सोच के कल्पना करके देखना, अगर सारे धर्मग्रंथ ही हट जाएंगे तो फिर भगवान का बल रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान का बल है भक्त, और भक्त में भगवान के प्रति भक्ति जागृत तो होती है कथा सत्संग और शास्त्रों से। इसलिए भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब वेद भी अवतार लेते हैं, चाहे फिर भगवान राम होते हैं तो वेद रामायण हो जाते हैं, वेद जो है गीता हो जाते हैं, वेद भागवत हो जाते हैं। भगवान का जैसे जैसे अवतार होता है वैसे वैसे ये स्थितियां बनती चली जाती हैं। और यही हमारे सत्संग का मुख्य बिंदु है कि हम इस बात को जाने। अनेकों अनेकों लीलाओं के माध्यम से हम ईश्वर को जानने बैठे हैं और जानते आए हैं और जानते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि हमें उनसे प्रेम है, हमें परमात्मा से प्रेम है, हमें उनमें विश्वास है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास ही है जो यहां हमको बैठाया हुआ है। वरना कौन अपने अपने घरों से कोई निकलना चाहता है? लेकिन हम ना जाने कहां कहां से, कौन कौन से शहरों से, किन किन गांवों से, किन किन नगरों से, किन किन कहां कहां से खिंचे चले आते हैं। क्यों? प्रेम है, हमें अपने गोविंद से प्रेम है। और एक और बात कहूं, इस प्रेम को और अच्छा सा नाम दे दें, ये तो हमारी चाकरी है जो हुजूर की खिदमत में हमें आना ही होता है। ये तो आवश्यक है भाई, तो आवश्यक है, आवश्यक है, और आना ही चाहिए, आते ही रहना चाहिए। इतनी बढ़िया हमें स्थिति मिली है तो क्या दिक्कत है? किसी ने कहा भी है, ओ मेरी रात तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी।